जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सागर उगे टेक में। तो दोस्तों, ISL टेक्निकल अटेंडेंट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले सभी ट्रेड को आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले, ठीक है। फिर जो आपका इलेक्ट्रिशियन हो या फिर फिटर हो या फिर आपका RSC मोटर मैकेनिकल डीजल या फिर जो आपका टर्नर है, ठीक है, यानी सभी ट्रेड के जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो आज हम इस एक ही वीडियो में पूरा सबको डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखना क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले है, ठीक है। तो दोस्तों, आपने पहले क्या पढ़ा वो मायने नहीं रखता, लेकिन जब एग्ज़ाम आती है तो तब आप उसमें एंड कैसा करते तो वही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो देखिए, काफ़ी मेहनत कीजिए और साथ ही चैनल पर भी बने रहे ताकि आपको हर वक्त तक हम क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते रहते हैं और आप उससे बने रहिए और साथ ही उसको पढ़ते रहिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर गवाए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, पहले हम शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिशियन पार्ट से। तो देखिए, हमारा इलेक्ट्रिशियन आज का पहला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, यानी जो होता है AC, ठीक है, AC कन्वर्ट टू DC, यानी AC को DC में कौन बदलता है, तो वो बदलता है आपका रेक्टिफायर, ठीक है, रेक्टिफायर के इसको बदलता है। अगर बात करें हम इन्वर्टर की, तो इन्वर्टर क्या करता है आपको DC को किस में बदलता है, वो बदलता है आपको AC में, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। अगर बात करें ट्रांसफार्मर को, तो ट्रांसफार्मर क्या होता है, जो आपकी वोल्टेज होता है वो क्या करता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन करके देखा है, ठीक है। तो ये आप ट्रांसफार्मर के बारे में याद रखना, साथ ही अब इसका हमारा आंसर हो जाएगा आपका रेक्टिफायर, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिक दक्षता वाला इंजन होता है, तो हमें पूछा गया है कि ऐसा कौन सा इंजन है इन चारों में से जिसकी इफिशियंसी जो है काफ़ी ज़्यादा है। तो देखिए, जो आपका कार्नो इंजन है इसकी इफिशियंसी यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा होती है इन चारों में से, ठीक है। अगर कंपेयर करें हम भाप इंजन, ऑटो इंजन या फिर डीजल इंजन से, ठीक है, अगर तीनों इंजन से अगर कंपेयर करें तो जो आपका कार्नो इंजन होता है उसकी यहाँ पे जो दक्षता है या फिर हम बोल सकते हैं इसकी इफिशियंसी इसकी सबसे ज़्यादा होती है। सॉफ्ट बॉडी को कहाँ स्थापित किया जाता है, तो देखिए जो सॉफ्ट बॉडी होती है उसे हम कहाँ पे स्थापित करते हैं, उसे करते हैं हम जो आपकी ब्लेड प्लेट होती है, ठीक है, ब्लेड प्लेट में हम क्या करते हैं आपको सॉफ्ट बॉडी को स्थापित करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड जो यहाँ पे राइट हो जाएगा। इंटरपोल का कार्य, तो हमें पूछा गया है कि इंटरपोल का कार्य इनमें से कौन सा है, तो देखिए जो इंटरपोल होता है क्या है, सबसे पहले तो ये बात जान लीजिए कि जो आपका इंटरपोल होता है वो क्या होता है, कनेक्टेड इन सीरीज विथ आर्मेचर, ठीक है, ये क्या होता है आर्मेचर के इसके सीरीज में रहता है, ठीक है, सीरीज में कनेक्ट रहता है आर्मेचर के, ठीक है। तो ये बात है आप याद रखना। और ये करता क्या है, तो ये क्या करता है जो आपको भी आपकी जो कम्यूटेटर होता है तो उसमें क्या होता है, जब मोटर स्टार्ट होती है तो उसमें स्पार्किंग जो है काफ़ी बढ़ती रहती है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं इंटरपोल का यूज़ करते हैं। तो इंटरपोल करता क्या है, जो आपका कम्यूटेटर पर जो स्पार्किंग होती है तो उसको क्या करता है, ये रिड्यूस कर देता है यानी इसको कम कर देता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते, तो देखिए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बोला गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा विद्युत मोटर। अगर पूछते हो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो हो जाएगा होता आपका जो DC जनरेटर, ठीक है, तो जनरेटर इसका हमारा आंसर होता। अगर पूछता कि मैकेनिकल को वो इलेक्ट्रिकल में कौन बदलता, ठीक है, जनरेटर हमारा राइट आंसर होता, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में कौन बदलता है, तो वो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विद्युत मोटर। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट हो जाएगा। शंट वाइंडिंग बनाई जाती है, तो देखिए जो आपकी शंट वाइंडिंग होती है तो वो कैसे बनाई जाती है, वो बनाई जाती है आपके पतले तार और अधिक टर्न की, ठीक है, यानी वो क्या होती है, पतले तार रहते हैं और टर्न्स जो रहते हैं उसके, टर्न्स किसको बोलते हैं, मान लीजिए कि ये एक कॉइल है, ठीक है, टर्न्स इसको बोलते हैं, ये हो गया आपका एक टर्न्स, ठीक है। तो क्या बोलते हैं इसको, पतले तारों अधिक टर्न्स चाहिए। अगर बात करें आपकी कभी पूछ लिया गया कि सीरीज वाइंडिंग कैसे बनाई जाती है, तो देखिए जो सीरीज वाइंडिंग होती है वो बनाते हैं आपकी जो उसका तार रहता है वो क्या रहता है, जाड़ा तार रहता है, यानी मोटे मोटे तार की बनाई जाती है, ठीक है। तो वो बनाई जाती है आपके थीक वायर एंड फ्यू टर्न्स, ठीक है, ठीक वायर एंड फ्यू टर्न्स की वो बनाई जाती है, यानी जाड़ तार और कुछ टर्न्स की, ठीक है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि जो सीरीज वाइंडिंग का रेजिस्टेंस रहता है तो वो क्या रहता है, यहाँ पे कम रहता है, और फिर जो आपकी शंट वाइंडिंग रहती है उसका रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या रहता है, हाई रहता है, ठीक है, शंट वाइंडिंग का रेजिस्टेंस यहाँ पे हाई रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करंट की उपस्थिति का ज्ञान होता है, तो किससे होता है, वो होता है आपका, एक तो देखिए जो आपका करंट की उपस्थिति का मान होता है वो होता है उत्पन्न प्रभाव से, ठीक है, करंट से क्या होता है, एक प्रभाव उत्पन्न होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, करंट का ज्ञान कर सकते हैं, जैसे कि मल्टीमीटर हो गया या फिर एमीटर से उसको चेक करके। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। करंट प्रभाव स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकता किसके, तो देखिए जो करंट प्रभाव स्थापित करने के लिए हमें यहाँ पे न्यूनतम आवश्यकता होती है, एक तो हमें चाहिए होता है आपका वोल्टेज स्रोत, ठीक है, यानी हमें चाहिए होता है, एक चाहिए होता है वोल्टेज
सोर्स, ठीक है, वोल्टेज सोर्स यानी जिसे हम बोलते हैं वोल्टेज स्रोत, और साथ ही चाहिए होता है एक कंडक्टर, ठीक है, वोल्टेज स्रोत और कंडक्टर की हमें आवश्यकता होती है। यानी देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, वोल्टेज स्रोत और चालक की हमें क्या होती है एक आवश्यकता होती है जब भी हमें करंट का प्रभाव यहाँ पे स्थापित करना हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। मोटर वाइंडिंग में उपयोग होने वाली टेप होती है, तो कौन सी टेप होती है, देखिए एक एम्पायर टेप भी हम यूज़ करते हैं, कॉटन टेप और फाइबर ग्लास टेप, ये तीनों टेप क्या होती है आपकी मोटर की जो वाइंडिंग हम करते हैं तो उसमें यूज़ होते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये सभी ऑप्शन नंबर डी। वाइंडिंग एलिमेंट को कहते हैं, तो देखिए वाइंडिंग एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उसको कॉइल। तो चलिए कुछ पॉइंट में आपको नोट करवा देता हूँ। तो मान लीजिए कि ये एक स्लॉट है, ठीक है, एक स्लॉट है, तो इसमें मान लीजिए कि ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये इसको बोलेंगे हम कंडक्टर, ठीक है, और मान लीजिए इसे एक पोल में अगर ये ऐसा होता, ठीक है, ये ऐसा जाके अगर ऐसा आता तो इसको बोलेंगे हम टर्न, ठीक है, ये क्या हो गया एक टर्न हो गया, इसको बोलेंगे टर्न। और फिर अगर ये ऐसी इस तरह से अगर ये ऐसे रहता, ठीक है, कंटिन्यू होता तो इसको हम बोलेंगे आपको कॉइल, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे हम मेरे कॉइल या फिर वाइंडिंग, ठीक है। तो देखिए आपको समझ गया होगा जो मैं आपको बताया तो अभी, ठीक है, तो वाइंडिंग एलिमेंट को क्या हम क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं कॉइल। डीसी मोटर में बैक ईएमएफ उत्पन्न होता है, तो किस से उत्पन्न होता है, जो डीसी मोटर होते हैं उसमें बैक ईएमएफ उत्पन्न होता है आपके जो आर्मेचर वाइंडिंग से, ठीक है, तो आर्मेचर वाइंडिंग। तो अगर बैक ईएमएफ का हम यहाँ पे फॉर्मूले की बात करें तो किस तरह बनता है, तो देखिए जो बैक ईएमएफ होता है वो आपका बनता है जो मेन वोल्टेज होता है वो माइनस आर्मेचर करंट इनटू होता है आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस। जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमें जो यहाँ पे बैक ईएमएफ मिल जाता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड यहाँ पे राइट हो जाएगा। डीसी मोटर की जो योक बनी होती है तो वो किससे बनी होती है, योक यानी होता क्या है, तो जिसपे हम क्या करते हैं जो पोल्स वगैरह लगे होते हैं यानी उसकी बॉडी, तो वो बनी होती है आपकी कास्ट आयरन की, ठीक है, तो कास्ट आयरन जिसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग उत्तेजित होती है, तो देखिए जो आपका सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर होता है तो उसमें जो आपकी फील्ड वाइंडिंग होती है वो किससे उत्तेजित होती है, तो वो होती है जो आपका एक जो एक्सटर्नल यहाँ पे जो एक्साइटर लगा होता है उससे, ठीक है, तो इससे इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा एक्साइटर, ठीक है, तो एक्साइटर इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोल्डरिंग आयरन का जो बीट किस धातु का बना होता है, तो ये हमें पूछा गया है, तो जो सोल्डरिंग आयरन होता है तो उसका जो बीट होता है वो बना होता है आपके नाइक्रोम का, ठीक है, नाइक्रोम यहाँ पे ज़्यादा तो जो भी हीटिंग एलिमेंट होता है उसमें यूज़ होता है, जैसे विद्युत प्रेस हो गया या फिर आपका सोल्डरिंग आयरन हो गया, तो इसमें ज़्यादातर नाइक्रोम यूज़ होता है, तो नाइक्रोम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक डायोड है, तो देखिए कौन सा डायोड है, तो वो है आपका पीएन, ठीक है, पीएन एक डायोड है, बाकी देखिए एमएन ओपी ओपी इससे तो कुछ संबंधित नहीं है, जो पीएन है ये क्या है हमारा एक डायोड है, तो डायोड का सिंबल भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, तो देखिए जो इस तरह से यहाँ पे डायोड होता है, ठीक है, ये हो जाता है इसका कैथोड है और एनोड, आपको बताना है कि जो आपका डायोड होता है यानी ट्रांजिस्टर में कितने हम यहाँ पे टर्मिनल होते हैं, ठीक है, ट्रांजिस्टर में टर्मिनल कितने होते हैं तो ये हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है, आप कमेंट में भी इसको लिखते चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एमसीबी का पूरा नाम क्या है, तो फुल फॉर्म हमें एमसीबी का यहाँ पे बताना है, तो वो होता है आपका मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अगर ELCB का कभी कभार पूछ लिया जाए, ठीक है, ELCB, तो ELCB का क्या होता है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर भी ध्यान करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन में उपयोगी, तो देखिए वोल्टेज रेगुलेशन में क्या उपयोग होता है, तो वो होता है आपका जीनर डायोड, ठीक है, जीनर डायोड यहाँ पे उपयोगी होता है, तो जीनर डायोड होता है किस तरह से, तो देखिए जीनर डायोड कुछ इस तरह से होता है, तो ये होता नहीं माफ करना इस तरह से नहीं होता, ठीक है, जीनर डायोड का मैं आपको उपयोग बता देता हूँ, इसका जो सिंबल है मैं आपको पूरा इसका इमेज दिखा देता हूँ, ठीक है, तो देखिए जो जीनर डायोड होता है तो उसका वो जो उपयोग होता है तो हम किस लिए करते हैं, तो वो करते हैं हमेशा रिवर्स डायरेक्शन में, ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन में हम क्या करते हैं यहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो आपका जीनर डायोड हो गया या फिर ट्रांजिस्टर हो गया या फिर UJT या फिर हो गया, ये सब का जो मैं वीडियो के यहाँ पे लास्ट में आपको लिस्ट दिखा दूंगा, उनके टर्मिनल कितने होते हैं और साथ ही उनका डायग्राम कैसा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैटरी का अपेक्षित घनत्व किससे मापा जाता है, तो देखिए हम मापते हैं उसको हाइड्रोमीटर से, ठीक है, जो हाइड्रोमीटर होता है उससे हम क्या करते हैं बैटरी का घन अपेक्षित घनत्व मापते हैं। अगर कभी पूछ लिया जाए कि आर्द्रता किससे मापते हैं, तो हम मापते हैं वो हाइग्रोमीटर, ठीक है, ड्रो नहीं ग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, ये अभी आर्द्रता नहीं, इससे मापते हम आपकी आर्द्रता, ठीक है, जो आर्द्रता होती है।
तो हमारे इसका राइट आंसर हो जाएगा अपेक्षित घनत्व किससे मापते हैं, तो हाइड्रोमीटर से, तो ऑप्शन नंबर बी। एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो देखिए वो कार्य करता है आपके गति के संरक्षण नियम पर, तो आपको बताना है ये न्यूटन के किस नियम के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसका तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप बताइए कि जो जेट इंजन सिद्धांत पर कार्य करता है गति के संरक्षण पर, वो न्यूटन के किस नियम के अंतर्गत आता है। तो अगला क्वेश्चन का रुख करेंगे। सोल्डरिंग आयरन का एलिमेंट बना होता है, सोल्डरिंग आयरन का जो एलिमेंट होता है वो बना होता है आपका नाइक्रोम का, ठीक है। अगर बीट की बात करें, सोल्डरिंग आयरन का जो बीट होता है वो बना होता है आपके तांबे का। ऊपर के क्वेश्चन में एलिमेंट नहीं बीट था, तो शायद मैं आपको नाइक्रोम बताया था, तो उसका करेक्ट कर लीजिएगा। उसका जो बीट होता है, बीट बना होता है तांबे का। और अगर बात करें जो आपका एलिमेंट, एलिमेंट बना होता है आपका नाइक्रोम का, ठीक है। तो चलिए अभी हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अब देखिए हम डिस्कस करने वाले हैं कुल मिला के 20 क्वेश्चन जो आपके डीजल से बनने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए डीजल के सेक्शन में हमारा पहला क्वेश्चन है, इंजन इंजेक्शन पंप इंजन की मात्रा के वेग और लोड के अनुसार प्रदान करता है, किस भाग में आप हेलिकल खाँचा दिया जाता है। तो देखिए जो आपका इंजन इंजेक्शन पंप का प्लंजर होता है उसमें क्या होता है, जो आपका हेलिकल खाँचा यहाँ पर दिया हुआ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। इंजन इंजेक्शन के पूर्ण होने पर प्लंजर की स्थिति होगी, तो देखिए जो इंजन इंजेक्शन जब पूरा होता है तो जो हमारे प्लंजर होती है उसकी स्थिति कैसी होती है, तो होती है आपकी स्लिप पोर्ट का हेलिक्स खुले जाएगा, ठीक है। जो आपका स्लिप पोर्ट होता है उसका क्या है, हेलिक्स खुल जाएगा। कब खुलेगा, जब आपकी इंजन इंजेक्शन पूर्ण हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीजल इंजन में निम्न तेल दबाव का कारण हो सकता है, तो देखिए कौन सा कारण हो सकता है डीजल इंजन में तेल दबाव का, तो वो होता है आपका घिसे हुए बेयरिंग, ठीक है। जब बेयरिंग घिसे हुए होता है तो क्या होता है, जो आपका इंजन होता है उसमें तेल दबाव का वो कारण हो सकता है। भारी डीजल इंजन को स्टार्ट करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो देखिए किस विधि का हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो करते हैं आपका डुअल इंजन स्टार्टिंग विधि, ठीक है। जो डुअल इंजन स्टार्टिंग विधि है उस विधि का हम प्रयोग करते हैं जब भी हमें जो भारी डीजल इंजन को स्टार्ट करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। धुआं युक्त नीला एग्जॉस्ट निम्न में से होता है, तो देखिए जो आपका धुआं युक्त नीला एग्जॉस्ट होता है तो निम्न में से कई किस वजह से होता है, तो वो होता है आपका अत्यधिक इंजन की खपत, ठीक है। जब भी धुआं युक्त नीला एग्जॉस्ट निकलता है तो समझ जाएगा कि ये क्या हो रहा है, अत्यधिक इंजन की ईंधन की यहाँ पे खपत हो रही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। विलंब इंजेक्शन का कारण है, तो विलंब इंजेक्शन का क्या कारण, तो वो आपका इंजेक्शन टाइमिंग, ठीक है। इंजेक्शन टाइमिंग ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। सॉलिड इंजेक्शन का अन्य नाम क्या है, तो देखिए सॉलिड इंजेक्शन को हम क्या बोलते हैं आपके, एयरलेस यांत्रिक इंजेक्शन, ठीक है। एयरलेस यानी जिसमें एयर नहीं होती, ठीक है। एयरलेस मैकेनिकल इंजेक्शन, ठीक है। एयरलेस मैकेनिकल इंजेक्शन जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, इंजेक्शन, तो आप याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से भौतिक इनपुट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में परिवर्तित करने वाला उपकरण, देखिए भौतिक इनपुट को आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कौन परिवर्तित करता है, तो वो होता है आपका सेंसर, ठीक है। सेंसर जो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सोलेनोइड के अवयव है, ठीक है। तो सोलेनोइड का अवयव हमें बताने, तो देखिए जो आपका अंतक्षेपक ये भी होता है, या फिर थ्रोटल वाल्व संचालक और आपका रेडिएट पंखा, ये तीनों भी क्या होते हैं आपके सोलेनोइड के अवयव होते हैं। ऑप्शन नंबर डी ये सभी हमारा राइट हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ECM का पूरा नाम है, तो देखिए ECM का पूरा नाम क्या होता है, उसे हम बोलते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल ECM का फुल फॉर्म। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाहन की गति को मॉनिटर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो वो करते हैं हम आपके वाहन गति सेंसर, ठीक है। जो आपके वाहन गति सेंसर होता है उसका हम इस्तेमाल करते हैं वाहन की गति को मॉनिटर करने के लिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्दियों में डीजल इंजन को स्टार्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो वो करते हैं हम आपका जो ईंधन पंप होता है, ठीक है, ईंधन प्लग नहीं, सॉरी, जो आपका ग्लो प्लग होता है, ठीक है। ग्लो प्लग का हम क्या करते हैं, आप इस्तेमाल करते हैं जब भी सर्दियों में इंजन स्टार्ट नहीं होता, तब तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। इंजन के शीतलक का तापमान ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सेंसर है, तो देखिए कौन सा सेंसर हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो करते हैं हम आपका शीतक तापमान सेंसर, ठीक है। जो आपका शीतक टेम्परेचर सेंसर होता है उसका हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, जब भी हमें क्या इंजन के शीतक का तापमान ज्ञात करना, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। तापमान सेंसर का प्रयोग निम्न में से
किसके तापमान को ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो देखिए जो हम टेम्परेचर सेंसर इस्तेमाल करते हैं तो उसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं? तो देखिए इंटेक तापमान का मान ज्ञात करने के लिए, या फिर चार्ज वायु तापमान, या फिर शीतक तापमान, ये तीनों का तापमान का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, आपका जो टेम्परेचर सेंसर होता है उसका यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी ये सभी। किस सिस्टम में प्रत्येक अंतक्षेपक एक वेष्टि प्लंजर पंप की भांति कार्य करेगा? तो वो करेगा आपका जो आपका डेट्रॉइट सिस्टम होता है, ठीक है, डेट्रॉइट सिस्टम ये कार्य करे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सफाई करने वाला ईंधन कौन सा है? तो वो होता है आपका यूएलएसडी, ठीक है, यूएलएसडी ये क्या है, एक सफाई करने वाला ईंधन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए भी हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। HEUI का पूरा नाम क्या है? तो देखिए इसका फुल फॉर्म यहाँ पे हमें बताना है, तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइड्रोकली एक्यूएटेड इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट इंजेक्टर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूएलएसडी का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए जो आपका यूएलएसडी होता है तो इसका प्रयोग किस में करते हैं? तो हम करते हैं इसमें जो आपका साफ डीजल होता है, ठीक है, जो आपका प्योर डीजल होता है, या फिर इसको बोल सकते हैं हम आपका साफ डीजल, तो उसमें क्या करते हैं हम आपका जो आपका यूएलएसडी होता है उसका प्रयोग करता था। कमेंट में लिखते चलिए कि यूएलएसडी का फुल फॉर्म क्या है। कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम में इंजेक्शन का दबाव यानी प्रेशर कितना होता है? तो देखिए वो जो होता है वो होता है आपका 1500 bar, ठीक है, 1500 bar या फिर उसका दबाव होता है। तो बार किसका मात्रक होता है? वो होता है आपका दबाव का। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इंजन को प्रारंभ करने के लिए कौन क्या प्रयोग किया जाता है? तो हम प्रयोग करते हैं आप ग्लो प्लग, ठीक है, ग्लो प्लग का हम क्या करते हैं आप इस्तेमाल करते हैं। डीजल इंजेक्शन सिस्टम का प्रकार है? तो देखिए डीजल इंजेक्शन सिस्टम का कौन सा प्रकार है इसमें से? तो वो होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटर इंजेक्शन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर इंजेक्शन जो है यही क्या है, आपके डीजल इंजेक्शन का प्रकार। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा। CRDI का पूरा नाम क्या है? तो देखिए CRDI का हमें पूरा नाम बताना है, तो वो होता है आपका कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन, ठीक है, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन है इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी कबार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं जो आपके वो फुल फॉर्म से संबंधित है, ठीक है, तो इसका होता है आपका कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन गैसोलीन के चौक की तरह कार्य करता है? तो देखिए गैसोलीन के चौक की तरह कार्य करने वाला कौन होता है? तो वो होता है आपका ग्लो प्लग, ठीक है, ग्लो प्लग हम क्या करते हैं सर्दियों में इंजन को स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए ग्लो प्लग इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से शांत डीजल तकनीक का सिद्धांत है? देखिए शांत डीजल तकनीक का सिद्धांत कौन सा? तो वो आपका फिल्टर का प्रयोग करना, ठीक है, फिल्टर के प्रयोग से होता क्या है जो आपकी इंजन की लाइफ है वो बढ़ जाती है, साथ ही उसमें ज़्यादा देर तक वो टिका हुआ रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण इकाई का प्रयोग करते हैं तो किस लिए करते हैं? तो हम करते हैं आपके इंजेक्शन टाइमिंग की गणना करने लिए, ठीक है, इंजेक्शन टाइमिंग की जब भी गणना करनी हो तो हम क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण इकाई का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने देखे कुल मिलाकर डीजल का 25 क्वेश्चन कर लिए, तो अब हम जो हमारा दूसरा पार्ट है उसको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। हमारा थर्ड पार्ट है यहाँ पे फिटर, ठीक है, तो अभी करेंगे फिटर के क्वेश्चन को डिस्कस। तो देखिए इसका जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंपोनेंट के सरफेस को स्केल फ्री बनाने के लिए निम्न में से कौन सी हिस्ट्रीटमेंट विधि का प्रयोग करते हैं? तो ठीक है, कंपोनेंट की जब भी हमें क्या सरफेस को स्केल फ्री बनाने के लिए तो हम करते हैं आपकी इंडक्शन हार्डनिंग का ही इस्तेमाल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। सबसे छोटे साइज के इनसाइड माइक्रोमीटर के स्लीव पर किस रेंज में ग्रेजुएशन बनी होती है? तो देखिए किस रेंज में उसकी ग्रेजुएशन बनी होती है, तो वो होती है आपकी 13 mm की रेंज में, ठीक है, 13 mm की रेंज में जो होता है आपका जो सबसे छोटे साइज़ का इनसाइड माइक्रोमीटर की स्लीव होती है उस पर 13 mm की रेंज में ग्रेजुएशन बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारे यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, ठीक है, 13 mm। धातु में भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं, निम्न में से कौन सा भौतिक गुण है? तो यही हमें बताना है, धातु में देखिए रासायनिक और भौतिक दोनों गुण होते हैं, तो ये निम्न में से कौन सा यहाँ पे भौतिक गुण है? तो देखिए जो आपकी फ्यूजिबिलिटी है यही क्या है, एक भौतिक गुण है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। चोजल के द्वारा एक ध्रुव काटा जा रहा है, ठीक है, जो आपका चीजल होता है उसके द्वारा काटा जा रहा है, ध्रुव के अंत में पहुंचने पर एक साथ अधिक मात्रा में धातु को टूटने से आप कैसे रोकेंगे? तो कैसे रोकेंगे, तो देखिए जो आपका विपरीत साइड के अंतिम सिरे को चिपिंग करके। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अभी देखेंगे,
किसी विशेष ऑपरेशन के लिए कभी कभी ड्रिल पर एक स्टॉप रिंग लगा दिया जाता है। स्टॉप रिंग का प्रयोग करके निर्णय में से कौन सा ऑपरेशन यहाँ पे किया जाता है। तो कौन सा ऑपरेशन करते हैं, तो हम करते हैं यहाँ पे ब्लाइंड ड्रिलिंग। ठीक है, ब्लाइंड ड्रिलिंग जो ऑपरेशन है वही हम यहाँ पे करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए अगला भी क्वेश्चन देखते हैं। इंजन असेंबली में कनेक्टिंग रॉड के बड़े सिरों को जोड़ने के एंटी फिटिंग बोल्टों का प्रयोग क्यों जाता है। देखिए, जो एंटी फिटिंग बोल्टों का प्रयोग हम क्यों करते हैं, तो वो करते हैं हम यहाँ पे जब असेंबली अल्टरनेटिंग लोड कंडीशन में हो तो लोड्स लेना, इसलिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे राइट हो। टैप की रिशनिंग के लिए उस पर कहाँ पर ग्राइंडिंग करते हैं, तो देखिए कहाँ पर हम ग्राइंडिंग करते हैं, उसके फ्लूट पर। ठीक है, तो उसके फ्लूट पर हम क्या करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं जब भी टैप की रिफिनिशिंग के लिए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। ड्रिल के साइज व किए हुए सुराख में भिन्नता आने का कारण, तो क्या कारण है, तो इसका एक ही कारण है, तो देखिए ड्रिल के कटिंग ये जो कि लंबाई असमान होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। इंस्ट्रूमेंट में माप लेने वाले फेस पर धूल के कण जमने के कारण आने वाली त्रुटि को क्या कहते हैं। देखिए, जब भी हम इंस्ट्रूमेंट से माप लेते हैं तो फिर देखे लेने वाले जो फेस होता है उस पर अगर धूल के कण जम जाए तो उस वजन से कौन सी जो त्रुटि आती है। ठीक है, तो उस त्रुटि को हम क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं उसको कॉन्टैक्ट त्रुटि। तो कॉन्टैक्ट त्रुटि की होती है जिससे जो पॉइंट हम जोड़कर माप लेते हैं तो उस पर अगर धूल आ जाए तो क्या होता है, कॉन्टैक्ट त्रुटि यहाँ पे होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। वर्नियर बेवेल प्रोटेक्टर में 23 डिग्री को कितने वर्नियर डिवीजनों में बांटा जाता है, तो देखिए कितने डिवीजनों में बांटा जाता है, तो वो बांटते हैं हम कुल मिलाकर 12 डिवीजन में। ठीक है, 12 डिवीजन में हम उसको बांटते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो भी सी है हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पैनर कितने मूव वाले होते हैं। देखिए, एक आपके कॉमन सा क्वेश्चन है, स्पैनर कितने मूव वाले होते हैं, तो वो होते हैं आपके दो मूव वाले। ठीक है, सभी ने स्पैनर को देखा ही होगा, स्पैनर। ठीक है, तो दो मूव वाले स्पैनर यहाँ पे होते हैं। टैपिंग होल होना चाहिए, तो टैपिंग होल कैसा होना चाहिए, तो देखिए जो टैपिंग होल है वो होना चाहिए आपके टैप के कोर या माइनर डायमीटर के बराबर। ठीक है, टैप के कोर या फिर उसके माइनर डायमीटर के बराबर जो है आपका टैपिंग होल होना चाहिए। मैकेनिकल सरफेस मेजरिंग मशीन के इंडक्टर में प्रयोग किए जाने वाला जो स्टाइलस होता है किसका बना होता है, तो हमें पूछा गया है जो आपके मैकेनिकल सरफेस मेजरिंग मशीन के इंडक्टर में प्रयोग किए जाने वाला जो स्टाइलस होता है किसका बना होता है, तो वो बना होता है आपके डायमंड का। ठीक है, डायमंड यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। वर्नियर हाइट गेज के यहाँ पे स्पेसिफिकेशन क्या है, तो क्या है इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेन स्केल की ऊंचाई। ठीक है, मेन स्केल की ऊंचाई से हम क्या करते हैं उसका स्पेसिफिकेशन करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। जीआई पाइप पर बाहरी थ्रेड के द्वारा आसानी से काटी जा सकती है, तो देखिए जो आपका जीआई पाइप होता है उस पर बाहरी थ्रेड काटने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो करते हैं आपका श्रेड रोलर्स का। ठीक है, श्रेड रोलर्स का हम इस्तेमाल करते हैं ताकि जो आसानी से काटी जा सके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। निम्न में से किस धातु में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है, तो देखिए वो होती है आपकी जो रॉट आयरन होता है। ठीक है, रॉट आयरन में जो कार्बन की मात्रा होती है वो यहाँ पे सबसे कम होती है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। फाइलिंग के लिए अलाउंस होता है, तो देखिए फाइलिंग के लिए कितना अलाउंस होता है वही हमें बताना है, तो वो होता है आपका देखिए 0.025 से लेकर 0.5 mm के बीच में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। स्क्रैम्पिंग के लिए अलाउंस कितना रखा जाता है, तो देखिए स्क्रैम्पिंग के लिए जो अलाउंस रखते हैं तो वो रखते हैं हम 0.1 से लेकर 0.4 mm के बीच में। ठीक है, अगर आपको फाइलिंग के लिए पूछे तो वो रखते हैं हम 0.025 से लेकर 0.5 mm के बीच में, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 0.1 से 0.4 mm के बीच में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा। यदि हैमर में हैंडल लूज फिट है तब क्या होगा, तो देखिए क्या होगा, हैमर निकल सकता है और दुर्घटना का कारण बन सकता है। ठीक है, ये काफ़ी सेफ्टी से क्वेश्चन था तो इसको भी मैंने ऐड किया हूँ। तो चलिए अगला क्वेश्चन अभी देखते हैं। निम्न में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट सरफेस की फ्लैटनेस और स्क्वायरनेस चेक करने के लिए प्रयोग होता है, तो वो करते हैं हम आपका जो ट्राई स्क्वायर होता है। ठीक है, उससे हम क्या करते हैं इंस्ट्रूमेंट की फ्लैटनेस और स्क्वायरनेस यहाँ पे चेक करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा। इनसाइड माइक्रोमीटर प्रयोग करते समय निम्न से कौन सी सावधानी है यहाँ पे आवश्यक नहीं है, तो देखिए इसका प्रयोग सदैव हैंडल लगाकर करना, इसका प्रयोग माप के अनुसार ही करना, या फिर कार्य न होने की दशा में ऑयल डालकर रखना चाहिए। तो देखिए ये जो तीनों यहाँ पे नहीं है तो उपरोक्त सभी सत्य हो जाएंगे।
मशीन की ओवरहॉलिंग का अभिप्राय क्या है? तो देखिए, मशीन की ओवरहॉलिंग यानी क्या होता है, ओवरहॉलिंग यानी मशीन को पूरी तरह से खोलकर साफ करके तेल देने के बाद दोबारा फिट करना, उसे क्या बोलते हैं, मशीन की ओवरहॉलिंग। डक्टिलिटी धातु का एक गुण है, ठीक है, जो निम्न में से किसे बनाने के लिए सहायक होता है? तो इसका आंसर जो है हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तारे। ठीक है, तारे बनाने के लिए जो धातु होता है उसमें यहाँ पे डक्टिलिटी गुण होना काफ़ी आवश्यक होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। इंडस स्टैंडर्ड स्क्रू थ्रेड की सिंगल डेप्थ कितनी होती है? तो देखिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी सिंगल डेप्थ होती है आपकी 0.6134 फीट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो देखिए, हमने फिटर के कुल मिलाकर 25 क्वेश्चन कर लिए, तो अब आगे बढ़ते हमारे अगले पार्ट पर। तो हमारे इस पार्ट में हम देखने वाले कि जो आपके वेल्डिंग के जो ऑब्जेक्टिव है उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर गवाए हम स्टार्ट करते, तो चलते अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सौ में किस प्रकार की फिलर धातु का यहाँ पे प्रयोग किया जा सकता है? तो देखिए, सौ में किस प्रकार के हम फिलर धातु का प्रयोग कर सकते हैं? तो कर सकते हैं हम लाइटली कोटेड वायर का, ठीक है, जो आपकी सौ होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। सौ में प्रयुक्त इलेक्ट्रोड होते हैं, तो देखिए, सौ में प्रयुक्त इलेक्ट्रोड किसके होते हैं? तो वो होते हैं आपके तांबे की कोटिंग चढ़े हुए, ठीक है, जो सौ में प्रयुक्त इलेक्ट्रोड होते हैं तो वो किसमें की कोटिंग होती है उसपे, तो उसपे होती है तांबे की कोटिंग चढ़े होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा। सौ को किस प्रकार की वेल्डिंग में उपयोग में लाया जाता है? तो देखिए, जो सौ होते हैं उसको किस प्रकार के वेल्डिंग में उपयोग लाते हैं? तो वो है आपकी स्वचालित वेल्डिंग, ठीक है, जो आपकी स्वचालित वेल्डिंग होती है उसमें क्या हम सौ को उपयोग में लाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। समबर्स्ट आर्क वेल्डिंग तथा हिडन आर्क वेल्डिंग होती है, तो वो कैसे होती है? तो वो होती है आपकी एक समान, ठीक है, एक समान वेल्डिंग होती है। सबमर्ज्ड जो आपकी आर्क वेल्डिंग होता है तो उसका लाभ क्या होता है? तो उसका लाभ होता है आपका स्पैटरिंग संभावनाएं क्या होती है उससे कम हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा। स्वा द्वारा वेल्डिंग की जाती है, तो देखिए, जो स्वा द्वारा वेल्डिंग की जाती है तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी में क्या है आपका लो कार्बन स्टील और जो आपका है रॉड स्टील, ये दोनों का यहाँ पे वेल्डिंग की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी ए और बी दोनों। ऑटोमेटिक सबमर्ज वेल्डिंग में क्या ऑटोमेटिक होते हैं? तो देखिए, जो ऑटोमेटिक सबमर्ज वेल्डिंग होती है तो उसमें ऑटोमेटिक क्या होते हैं? तो जो आपकी आर्क की लंबाई होती है वो भी ऑटोमेटिक होती है, फिर आपका वोल्टेज और जो आपकी वेल्डिंग की गति होती है, ठीक है, तो ये तीनों भी जो है वो क्या होती है आपके ऑटोमेटिक होती है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर राइट हो जाएगा ये सभी। चलिए अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में किस प्रकार के वेल्ड नहीं किए जाते पूछा है, ठीक है, तो देखिए, जो बट वेल्ड है, ठीक है, बट वेल्ड हो, फिर आपका जो प्लग वेल्ड है, ये दोनों भी क्या आपके सबमर्ज आर्क वेल्डिंग के प्रकार में किए जाते हैं, लेकिन जो आपका लेथ वेल्ड है ये क्या होता है आपके इसमें नहीं किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर यही बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे वेल्ड नहीं किए जाते यहाँ पे पूछा है, ठीक है, तो जो लेथ वेल्ड है वो यहाँ पे नहीं किया जाता है। सौ में वेल्डिंग स्पीड के धारा का घनत्व का मान कितना होता है? देखिए, धारा का घनत्व का मान कितना होता है आपके सौ वेल्डिंग में? तो वो होता है आपके, देखिए, 16,000 एम्पियर पर सेंटीमीटर, ठीक है, 16,000 एम्पियर पर सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। तो आपको बताना है कि सौ का यहाँ पे फुल फॉर्म पूरा होता क्या है। सौ में बीट का आकार व आकृति निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है? जो आपके बीट का आकार होता है और उसकी आकृति, वो निर्भर करती है आपके आर्क वोल्टेज पर, ठीक है, कि आपका आर्क वोल्टेज यहाँ पे कितना है, ठीक है, तो उस पर ये क्या करती है आप पे निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। सबमर्ज आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में से किस प्रकार के पदार्थ वेल्ड नहीं किए जाते, ठीक है, जो आपके सबमर्ज आर्क वेल्डिंग होती है तो उससे जो कॉपर के जो भी यहाँ पे पदार्थ होते हैं वो क्या यहाँ पे वेल्ड नहीं किए जाते, ठीक है, तो वेल्ड नहीं किए जाते पूछा, इसलिए जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका कॉपर। बाकी जो आपका मध्यम कार्बन स्टील हो गया, फिर आपको अलॉय स्टील एंड व्हील, निकेल, मोनेल और क्रोमियम, ये सभी क्या होते हैं इसमें वेल्ड किए जाते हैं, लेकिन कॉपर जो यहाँ पे वेल्ड नहीं किया जाता, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। वेल्ड मेटल पर बनी फ्लक्स की परत का कार्य क्या होता है? तो देखिए, उसका कार्य क्या होता है, वायुमंडल के ऑक्सीजन व नाइट्रोजन के संपर्क से बचाने के लिए, फिर बने हुए ऑक्साइड की परत को हटाती है और जो अन्य त्रुटियां होती है उसे भी यहाँ पे दूर करने में सहायक होती है, ठीक है, जो आपकी
वेल्ड मेटल पर जो फ्लक्स बननी होती है, ठीक है। तो देखिए फिर हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उपरोक्त सभी, यानी जो है सभी ए बी सी तीनों क्या है यहाँ पे राइट है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में आर्क किनके मध्य बनाई जाती है? तो देखिए सबमर्ज जो आपके आर्क वेल्डिंग होती है तो उसमें आर्क किसके मध्य बनाते हैं, तो वो बनाते हैं हम कॉपर कोटेड इलेक्ट्रोड और बेस मेटल के मध्य, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट हो जाएगा, कॉपर कोटेड इलेक्ट्रोड और जो आपके बेस मेटल के मध्य हम क्या करते हैं आपकी सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में आर्क बनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो है सी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में आर्क पूरी तरह से डूबी रहती है, तो किस में? वेल्डिंग फ्लक्स में, ठीक है। तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में सबमर्ज का अर्थ होता क्या है? तो देखिए सबमर्ज का अर्थ होता क्या है, तो इसे हम बोलते हैं यहाँ पे डूबा हुआ, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में अच्छा वेल्ड बीट प्राप्त करने के लिए जो इलेक्ट्रोड होता है तो उसका झुकाव होना चाहिए, तो किस तरफ होना चाहिए? तो होना चाहिए आपके पीछे की तरफ, ठीक है, पीछे की तरफ यहाँ पे उसका झुकाव होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेमी ऑटोमेटिक सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में ऑपरेटर द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो इसका जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका वेल्डिंग की गति, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। वेल्डिंग जॉइंट पर निक्षेपित फ्लक्स की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो वो करते हैं हम आपके फ्लक्स हॉपर के द्वारा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए जो हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। सबमर्ज आर्क वेल्डिंग करते समय रखने वाली सावधानी है, तो देखिए जो आपको जो तीनों पॉइंट है वो भी यहाँ पे राइट ही है, ठीक है। तो कौन कौन से हम पढ़ लेते हैं एक बार, देखिए वेल्डिंग करते समय सभी सुरक्षा उपकरण एवं सुरक्षा सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, फिर आपका वायर की फीड रेट बेस मेटल की मोटाई के अनुसार ही उसे सेट करना चाहिए, प्लस फीड रेट मानक के अनुसार ही हमें सेट करना चाहिए, यानी उपयुक्त सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट बन जाएगा। तो चलिए अभी डिस्कस करते हैं जो हमारे मिक्स टेक्निकल क्वेश्चन है उसका अगला पार्ट। तो चलिए अभी हमारा पहला क्वेश्चन है, तो देखिए ये जो पार्ट है ये पार्ट है आपका मोटर मैकेनिकल सेक्शन से, ठीक है। तो मोटर मैकेनिकल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका इस अभी इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बिना देर गवाए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, क्लच गियर बॉक्स और के बीच स्थित होता है, क्लच जो है आपके गियर बॉक्स और आपका इंजन जो होता है उनके बीच आप स्थित होता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। एक पारंपरिक क्लच असेंबली में कॉइल स्प्रिंग दाब प्लेट और के बीच आपका स्थित होता है, तो देखिए पूछा गया है कि जो एक पारंपरिक क्लच असेंबली में जो आपका कॉइल स्प्रिंग होता है वो दाब प्लेट और किच के बीच में स्थित होता है या फिर स्थापित होता है, तो देखिए वो होता है आपका क्लच कवर, ठीक है। जो आपका कॉइल स्प्रिंग होता है एक तो दाब प्लेट और आपका जो क्लच कवर होता है उसके बीच में स्थित होता है, क्लच कवर के साथ बोल्ट किया जाता है। तो देखो जो आपका क्लच कवर होता है तो किसके साथ हम यहाँ पे बोल्ट करते हैं, तो वो करते हैं हम आपका जो फ्लाई व्हील होता है, ठीक है, जो आपका फ्लाई व्हील होता है उसके साथ हम क्या करते हैं उसको बोल्ट करते हैं, ठीक है, फ्लाई व्हील के साथ में, तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा। आधुनिक कार में क्लच में मुक्त पैडल प्ले लगभग होता है, तो देखिए जो आपके अभी आधुनिक कार है तो उसमें आपका मुक्त पैडल प्ले लगभग कितना होता है, तो वो होता है आपका 25 mm का, ठीक है, 25 mm का वो होता है ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। पद राइडिंग ऑन क्लच का अर्थ है ड्राइवर के पैर और रखने की आदत, ठीक है, जो आपका राइडिंग ऑन क्लच का अर्थ क्या होता है, ड्राइवर के पैर क्लच पैडल पर, ठीक है, ड्राइवर के प्लस क्लच पैडल पर रखने की आदत, उसे हम क्या कहते हैं आपका राइडिंग ऑन क्लच, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। अलगाव के लिए क्लच पेटो की असफलता का सिस्टम है, तो देखिए कौन सा सिस्टम है, तो वो है आपका बिना शोर के प्रथम गियर इंजन इंगेज करने में मुश्किल, ठीक है, बिना शोर के प्रथम गियर इंगेज करने में मुश्किल, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। डायफ्राम क्लच में केंद्र पर मुक्त बीयरिंग के अंदर की ओर मूवमेंट के कारण जो आपका डायफ्राम स्प्रिंग क्या होता है अपनी परिधि पर बाहर की ओर यहाँ पे मूव करता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। एक ट्रांसमिशन में स्पर गियर के बजाय हेलिकर गियर के उपयोग करके दो लाभ होते हैं, तो ठीक है, तो दो लाभ कौन से होते हैं वही हमें बताना है। तो देखिए दो लाभ होते हैं आपका, एक तो शोर जो आपका बहुत कम होता है शोर लेवल, और जो आपकी अधिक मजबूती प्रदान होती है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा।
टॉर्क कन्वर्टर में घटक जो टॉर्क के गुणन की अनुमति देता है। तो देखिए जो टॉर्क कन्वर्टर होता है उसमें टॉर्क की गुणन की अनुमति कौन देता है, तो वो देता है आपका स्टेटर। ठीक है, स्टेटर जो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक साधारण गियर ट्रेन में यदि निष्क्रिय गियर की संख्या विषय मैनी ऑड है तब ड्राइवन गियर की गति की दिशा होगी, तो किसके बराबर होती है, तो वो कि आपके जो ड्राइविंग गियर के समान, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। डबल क्लचिंग का उपयोग में गियर कार्य के लिए किया जाता है, तो किस लिए किया जाता है, तो वो देखिए आपके स्थिर या फिर कॉन्स्टेंट मिस ट्रांसमिशन के लिए, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा यहाँ पे भी राइट हो जाएगा। एक एपिसाइक्लिक गियर सेट का सेंट्रल गियर एक कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका सन गियर, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। एक टॉर्क कन्वर्टर में अधिकतम टॉर्क गुणांक पर घटित होता है, तो किस पर घटित होता है, तो वो होता है जब वो स्टॉप होता है। ठीक है, नहीं ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हब स्लीव के बाहरी परिधि पर ध्रुव संलग्न करने के लिए होता है, तो किस लिए वो होता है, तो वो होता है आपके जो शिफ्ट फोर्क है उसको संलग्न करने के लिए, आपके जो हब स्लीव होते हैं उसके बाहरी परिधि पर ध्रुव होता है। ठीक है, शिफ्ट फोर्क को संलग्न करने के लिए, ना ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी हमारा राइट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रॉनिक रूप से नियंत्रित स्वचालित ट्रांसमिशन का कार्य क्या है, तो देखिए क्या कार्य है, तो जब पहाड़ के नीचे की ओर जा रहे है तो क्या होती है, जो गति नियंत्रण के लिए एक स्वचालित रूप से शिफ्ट डाउन हो जाते हैं। ठीक है, साथ ही सेकंड है, जब एक फिसलन वाले सरफेस पर ब्रेक लगा रहे हैं तो क्या स्वचालित रूप से शिफ्ट ऊपर हो जाना, और जब एक टर्न ले रहे हैं तो क्या होता है अपने शिफ्ट को रोकना, यानी ये तीनों जो पॉइंट यहाँ पर राइट है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। हाइड्रोलिक तरल नियंत्रण स्वचालित ट्रांसमिशन में गियरों की शिफ्टिंग पर आधारित होते हैं, तो किस पर आधारित होते हैं, तो वो होती है आपके जो गवर्नल और थ्रोटल डाब होता है। ठीक है, उसी पर क्या होती है आपके हाइड्रोलिक तरल नियंत्रण स्वचालित ट्रांसमिशन के गियरों की शिफ्टिंग आधारित होती है। मेश में गियर के जंप आउट होने का संभावित कारण क्या होता है, तो देखिए जो मेश होता है उसमें गियर के जंप आउट होने का कारण एक ही होता है, तो वो होता है आपके जो स्लीव पर गियर के दांत घिस जाना, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा। जो स्लीव होते हैं या फिर जो गियर होते हैं उस पर क्या है दांत घिस जाना, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। सीवीटी के मामले में यदि ड्राइव पुली व्यास घटता है तो और ड्राइव पुली व्यास बढ़ता है तब क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले तो जो भी मैकेनिकल स्टूडेंट अभी देख रहे होंगे, आप तो पहले सीवीटी का फुल फॉर्म हमें कमेंट में बताइए। ठीक है, तो चलिए इसका हम आंसर देख लेते। इसका आंसर क्या होता है, जब भी क्या होता है आपके ड्राइव पुली का व्यास घटता है और जो आपकी ड्रिवन पुली होती है उसका व्यास बढ़ता है। ठीक है, ड्राइव और ड्रिवन में फ़र्क होता है, तो क्या होता है जो आपका आउटपुट टॉर्क तो बढ़ जाता है लेकिन जो आपकी आउटपुट गति है वो क्या होती है आपकी डिक्रीज होती है, यानी घट जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारे यहाँ पे बी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन अभी देखते हैं। टॉर्क कन्वर्टर का वह घटक है जो तरल से बहाव का कारण है, तो कौन सा है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी पंप इंपेलर होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दो टुकड़े प्रोपेलर शाफ्ट को की आवश्यकता होती है, तो किसकी आवश्यकता होती है, तो उसकी आवश्यकता होती है हमें एक सेंटर सपोर्टिंग बेयरिंग की। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों हमने कुल मिला के मोटर मैकेनिक पे यहाँ पे लगभग 20 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको डिस्कस कर लिया। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम हमारे मिक्स टेक्निकल क्वेश्चन के अगले पार्ट की तरफ। तो देखिए इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले टर्नर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो चलिए बिना देर गए स्टार्ट करते हैं। तो गेज को घिसने से बचाने के लिए उसकी मापने वाली सतह पर की परत इलेक्ट्रोप्लेटिंग द्वारा चढ़ाई जाती है, तो किसकी परत चढ़ाते हैं, तो हम चढ़ाते हैं यहाँ पे क्रोमियम की, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गेजों के द्वारा निम्न में से किस प्रकार की माप ली जाती है, देखिए जो गेज होते हैं तो उसके द्वारा किस प्रकार के हम माप लेते हैं, तो देखिए जो थ्रेड की पिच की भी माप ले सकते हैं, जो किसी छिद्र की व्यास और किसी झीरो की चौड़ाई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये नहीं बोला है कि गेज है कौन सा, ठीक है सिर्फ गेज बोला है, तो देखिए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी है। ठीक है, नहीं उपरोक्त सभी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सारे दोस्तों क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, ठीक है अच्छे लग रहे हैं तो लाइक भी कर देना दोस्तों, साथ ही कमेंट में भी लिखते चलना कि आपको अच्छे लग रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है।
अधिक गहरे पर माप लेने के लिए का प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग करते हैं हम, जब भी हमें अधिक गहराई तक माप लेना है तो हम करते हैं यहाँ पे जो आपका सेंटर गेज होता है, ठीक है, हम क्या करते हैं सेंटर गेज के यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। सेंटर गेज के मध्य का अंदरूनी बाह्य कोण बना होता है, ठीक है, यहाँ पे अंदरूनी नहीं बल्कि बाह्य कोण पूछा है, तो वो बना होता है आपका 60 डिग्री का। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। गेज साइज बढ़ने पर सीट या तार की वास्तविक जो आपकी चौड़ाई होती है वो क्या होती है, यहाँ पे घट जाती है। ना ऑप्शन नंबर सी जो हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो जो गेज साइज बढ़ने या पर जो सीट या तार की वास्तविक जो चौड़ाई होती है वो घटती है जब भी गेज का साइज यहाँ पे बढ़ता है। गेजिंग सतहों से चिकनाई हटाने के लिए में धोना चाहिए। तो जो आपकी गेजिंग सतह जब भी हमें चिकनाई हटानी हो तो उसको किस में धोना चाहिए, तो हम उसको धोते हैं आपके CTC में, ठीक है। CTC यानी क्या होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। गेज का प्रयोग के लिए होता है, तो किसके लिए होता है, वो होता है आपका मास उत्पादन, ऑप्शन नंबर सी। गेज जो है आपके निम्न धातु के बनाए जाते हैं, तो किसके बनाए जाते हैं, तो वो बनाते हैं हम आपके जो हाई कार्बन स्टील होता है उसके यहाँ पे वो जो गेज है वो बनाए जाते हैं, यानी जो गेज किस धातु के बनाए जाते पूछा जाए तो वो होते हैं आपके हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। ऐसे गेज का नाम जो बाहरी अंदरूनी दोनों माप ले सके, तो कौन सा गेज है, वो होता है आपका गैप गेज, ठीक है, गैप गेज जिसे हम बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो देखिए इसके थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी वर्नियर गेज, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्रिल एंगल गेज का कोण निम्न में से कितना होता है, तो देखिए जो इसका कोण होता है तो वो होता है आपका 118 डिग्री, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। स्क्रू पिच गेज का प्रयोग निम्न में से किस लिए किया जाता है, तो देखिए जो आपकी चूड़ी होती है उसकी पिच चेक करने के लिए, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। सेंटर गेज का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, तो देखिए इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। टेपर गेज के द्वारा निम्न को मापते हैं, तो किससे मापते हैं, तो हम मापते हैं आपका जो होल का टेपर होता है उसे क्या टेपर गेज द्वारा हम मापते हैं। एंगल गेज का प्रयोग निम्न को चेक करने के लिए किया जाता है, यानी उससे हम क्या चेक करते हैं, तो हम क्या चेक करते हैं दो सतहों के बीच का कोण, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। फिलर गेज का प्रयोग निम्न कार्य के लिए किया जाता है, तो देखिए जो आपका फिलर गेज होता है तो आपने भी देखा होगा कुछ इस तरह से पट्टियाँ होते हैं अलग अलग माप की, ठीक है, तो देखिए इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा मिलने वाले पार्टी के बीच या जो भी पार्ट हमें मिले तो उसके बीच का अंतर मापने के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। स्लिप गेज किस धातु के बने होते हैं, देखिए जो स्लिप गेज होते हैं तो वो बने होते हैं आपके स्टेबलाइज क्रोमियम स्टील के, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। शीट की मोटाई मापने के लिए निम्न में से कौन सा गेज जो है यहाँ पे हम प्रयोग करते हैं, तो वो करते हैं हम यहाँ पे वायर गेज, ठीक है, वायर गेज का हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए अभी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर दोस्तों वीडियो देखने में अच्छा लग रहा है तो साथ ही लाइक भी करते चलिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करिए, ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी बोर में गहराई में बने ध्रुव की माप लेने के लिए निम्न गेज प्रयोग करेंगे, तो कौन सा गेज हम प्रयोग करेंगे, टेलीस्कोपिक गेज, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। जब भी हमें क्या किसी जो बोर रहती है ना तो उसमें गहराई में बने ध्रुव की अगर माप लेनी हो तो हम यहाँ पे टेलीस्कोप गेज जो इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। साथ ही दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करते चलिएगा, ठीक है, और देखिए दोस्तों आप ज़्यादातर स्टूडेंट जो है देख लेते हैं फिर सब्सक्राइब भी नहीं करते, सब्सक्राइब भी करते चलेगा, ठीक है, क्योंकि आपके लिए दोस्तों इतने मेहनत से हम यहाँ पे क्वेश्चन लेके आते हैं तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते अगले क्वेश्चन पर, तो चलिए अगला क्वेश्चन अभी देख लेते। मेट्रोलॉजी लैब में गेजों को रखने का मानक तापक्रम क्या है, तो देखिए जो गेजों को रखने का तापक्रम होता है तो वो होता है आपका 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्लग गेज की जियो साइट का व्यास बराबर होगा, तो किसके बराबर होगा, देखिए होल का कम से कम साइज के बराबर, ठीक है, कम के कम साइज के, यानी ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिक्स टाइप स्नैप गेज निम्न प्रकार का होता है,
तो देखिए वो होता है आपका गो नो गो, अलग अलग सिरे पर होते हैं, ठीक है। जो गो और नो गो है वो क्या होते हैं आपके अलग अलग सिरे पर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। स्क्रूइंग गेज का प्रयोग निम्न में से की चेकिंग के लिए होता है, तो इसका उपयोग हम करते हैं जो बाहरी चूड़ियाँ होती है उसका मापन करने के लिए या फिर चेक करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन का आंसर राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न के लिए फिलर गेज का प्रयोग किया जाता है, तो देखिए जो मिलने वाले पार्ट्स के भी गैप चेक करने के लिए, तो ये हमने ऐसे क्वेश्चन ऊपर भी कर लिया था, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। थ्रेडिंग टूल का कोण 60 डिग्री होता है, उसे चेक करने के लिए निम्न में से किस गेज का हम यहाँ पे उपयोग करेंगे। देखिए जो आपका थ्रेडिंग टूल का कोण 60 डिग्री होता है तो उसे चेक करना है, तो किस गेज का हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे, तो हम वो करेंगे हम आपके थ्रेड रिंग गेज का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए हमने जो आपका टर्नर का पार्ट है उसमें कुल मिलाकर 25 क्वेश्चन कर लिए। तो अभी बढ़ते हैं हमारा अगला पार्ट जो है आपका RAC, ठीक है। तो देखिए जो हमारा RAC का पार्ट अभी डिस्कस करेंगे, तो उसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आग जलने के लिए ईंधन ऊष्मा और की उपस्थिति के निरंतर आवश्यकता होती है। तो देखिए आग के साथ ईंधन ऊष्मा और आपका जो ऑक्सीजन होता है, ठीक है, ऑक्सीजन जो होता है उसकी हमें यहाँ पे आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। सूखे पाउडर वाले अग्निशामक किस प्रकार के आग पर उपयोग किए जाते हैं, तो देखिए किस प्रकार के आग पर, तो वो करते हैं हम आपके जो श्रेणी डी की आग होती है, ठीक है। क्यों जो आपकी श्रेणी डी की आग होती है वो कि आपकी इलेक्ट्रिकल की आग, ठीक है, इलेक्ट्रिक की वो क्या होती है, फायर होती है। और साथ ही देखिए जो ए प्रकार के होते हैं उसमें किस में कौन कौन सी किस प्रकार की आग आती है, तो देखिए जो आपके पेपर हो गया, ठीक है, पेपर या फिर हो गया आपका वुड हो गया, इस प्रकार से जो इस कारणवश जो आग लगती है यानी पेपर वुड से, तो वो इसमें आती है, ठीक है। अगर बी की बात करें तो बी की आती है जो लिक्विडफाइड फायर होती है, ठीक है। लिक्विडफाइड में कौन कौन सा आएगा, फिर आएगा आपका देखिए जो पेट्रोल हो गया, ठीक है, पेट्रोल या फिर जो आपका पेंट हो गया, ठीक है, पेंट हो गया, वो इसमें आता है। अगर सी की बात करें तो देखिए सी में कौन कौन सा आता है, तो सी में आता है आपका गैस सिलेंडर, ठीक है, जो LPG होता है, ठीक है, LPG, और फिर जो गैसों से जो भी आग लगती है वो क्या आती है आपके श्रेणी सी में यानी क्लास सी में आती है। जो अगला क्वेश्चन अभी देखते हैं, तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर जो है वो राइट हो जाएगा आपका क्लास डी, यानी जो इलेक्ट्रिक फायर होती है उसके लिए हम क्या करते हैं आपके सूखे पाउडर वाले अग्निशामक का प्रयोग करते हैं। अग्निशामकों में कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन भरी हुई हो सकती है, तो किसमें, तो वो होती है आपके जो हेलोन अग्निशामक होता है यानी हेलोन फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है उसमें। तो अगला क्वेश्चन अभी देखते हैं। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में प्रशीतन की क्रिया के लिए किसका उपयोग यहाँ पे किया गया था, देखिए जो आपके प्रशीतन की क्रिया के लिए जो 18वीं शताब्दी में उपयोग किया गया था तो वो था आपका बर्फ, ठीक है, बर्फ के लिए यहाँ पे प्रशीतन की तरह इसका उपयोग किया गया था। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। वे मेटल बार जिसमें नट्स को कसने वाले एलन की रैंच और प्लायर होते हैं के बने होते हैं, तो किसके बने होते हैं, तो बने होते हैं आपके जो षष्ठभुजीय मेटल बार के। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, फाइन निर्वात के मापन के लिए किस गेज का यहाँ पे उपयोग किया जाता है, तो वो करते हैं आपका जो थर्मोकपल वैक्यूम गेज जो होता है उसका यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जब भी हमें क्या फाइन निर्वात का मापन करना हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हमारा राइट हो जाएगा। तो चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अत्यधिक गर्म वस्तुओं को उठाने के लिए प्रयुक्त डिवाइस कहलाती है, तो देखिए जब भी अत्यधिक गर्म वस्तुएं अत्यधिक गर्म हो, ठीक है, तो तब भी उसको उठाने के लिए हम जो डिवाइस यहाँ पे उपयुक्त करते हैं, तो कौन सी डिवाइस है, तो वो होती है आपकी टोंग, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। रिकवरी सिलेंडर की न्यूनतम क्षमता होती है तो कितनी होती है, तो वो होती है आपकी 10.9 kg। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, इसका जो है 10.9 नहीं होता बल्कि आपका होता है 11.9, 11.9 इसका राइट है, 10.9 नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए जो 11.9 है इसका आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। जो किताबों में मैं किताब में देखा था तो उसमें जो आपका 10.9 दिया गया था, लेकिन जो इसका 10.9 नहीं है तो इसका होता है आपका 11.9। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। कंडेंसर और इवेपोरेटर को सीधा या फिर साफ करने में प्रयुक्त विशेष रूप से डिजाइन किया गया टूल क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका फिन टूल या फिर कोम। ऑप्शन नंबर ये जो है यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सामान्य फिलिंग उद्देश्य के लिए प्रयुक्त फाइल कौन सी होती है, तो वो होती है आपकी बास्टर्ड फाइल, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। तो यही क्या होते हैं, जो बास्टर्ड फाइल होते हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं सामान्य फिलिंग उद्देश्यों के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्लैंक दिया गया है, ठीक है, में इंडिविजुअल शार्प और पॉइंटेड टीथ एक रेखा में होते हैं और ये लकड़ी के फाइलिंग के लिए उपयोगी होते हैं, तो किस में, तो ये होते हैं आपके जो रास्प कट होता है उसमें आपके इंडिविजुअल शार्प पॉइंटेड टीथ एक रेखा में होते हैं और ये लकड़ी की फाइलिंग के लिए उपयोगी होते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो डी हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। आंतरिक कट टलों के लिए किस फाइल का उपयोग यहाँ पे होता है, तो वो होते हैं आपका जो हाफ राउंड फाइल होती है ना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। किसी वॉइस का आकार उसके जॉ की के आधार पर निर्धारित किया जाता है, तो जो जो उसका वॉइस होता है, ठीक है, वॉइस का आकार उसके जॉ की जो चौड़ाई होती है, ठीक है, जो आपकी उसकी चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई के आधार पर जो उसका आकार निर्धारित किया जाता है, ठीक है, चौड़ाई के आधार पर, जो आपकी जॉ की चौड़ाई होती है उसके आधार पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चौड़ाई। यूनिवर्सल सरफेस गेज का उपयोग होता है, तो किस लिए होता है, मशीन पर जॉब की डेटम सरफेस की समांतर सेटिंग के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। जो यूनिवर्सल सरफेस गेज होता है उसका उपयोग किस लिए करते हैं, हम करते हैं मशीन पर जॉब की जो डेटम सरफेस की समांतर सेटिंग करने के लिए। ब्लैंक दिया गया है का उपयोग जॉब को सहारा देने और मार्किंग के लिए लंबवत कोणीय तल प्रदान करने के लिए होता है, तो किसका, जो आपका एंगल प्लेट होता है, ठीक है, एंगल प्लेट का हम क्या करते हैं, जॉब को सहारा देने और मार्किंग के लिए लंबवत कोणीय तल प्रदान करने के लिए एंगल प्लेट का इस्तेमाल करते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो डी है हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। ब्रिंक पंच का जो है कोण होता है, तो ब्रिंक पंच का यहाँ पे कोण कितना होता है, तो वो होता है आपका 30 से 60 डिग्री, ठीक है, 30 से 60 डिग्री के बीच में वो होता है, ठीक है, 30 से 60 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। ब्लैंक एक स्प्रिंग युक्त उत्तोलक है जो बीम स्केल पर वर्नियर स्लैब की स्थिति से में सेट करने में मदद करता है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका थंब लीवर, ऑप्शन नंबर डी। स्ट्रेट स्क्राइबर के उपयोग के समय वर्नियर कैलिबर की शून्य सेटिंग डेटम तल से होती है, तो डेटम तल से देखिए ऊपर होती है नीचे होती है ये हमें बताना है, तो क्या होती है, जो आपका शून्य सेटिंग जो आपका डेटम तल से क्या होता है आप पे ऊपर होता है, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे हमारा राइट बन जाएगा, ठीक है, क्या होती है आपके डेटम तल से यहाँ पे ऊपर होती है। ब्लैंक का उपयोग की वे ग्रू और स्लॉट की कटिंग के लिए होता है, तो वो होता है आपका जो क्रॉस कट चीजल होता है, ठीक है, क्रॉस कट चीजल का उपयोग हम करते हैं की वे ग्रू और स्लॉट की कटिंग के लिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। कटिंग पॉइंट के टॉप फेस और कटिंग वाले सिरे में वर्क सरफेस के बीच वाला कोण क्या कहलाता है, तो देखिए वो कोण हमारा कहलाता है रेक एंगल, यानी ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इस वीडियो में दोस्तों इतने ही क्वेश्चन थे, तो देखिए हमने कुल मिलाकर देखिए पहले देखा था हमने इलेक्ट्रिशियन हो गया, फिर हमने देखा था डीजल, यहाँ पे फिर फिटर हो गया, डीजल हो गया, यहाँ पे ऐसे कुल मिलाकर हमने टोटल यहाँ पे 7 ट्रेडों से पूरे क्वेश्चन देख लिए, ठीक है, इससे बाहर जो आपके कोई क्वेश्चन नहीं छपने वाले, अगर हम आप अपने हमारे चैनल से डेली जुड़े थे और साथ ही आपने जो सभी सीरीज हमने करवाए सभी देखे, तो इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है, ठीक है, जो इतना भी आप करके करें तो देखिए आप 75 आउट ऑफ में से अबव 60 करके आ सकते हैं, तो देखिए ये टोटल क्वेश्चन आप वीडियो अंत तक देख लेना, अगर समझ में नहीं आया तो दोस्तों वीडियो फिर से रिपीट करके देख लेना, ताकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसी क्लास आपको पूरे यूट्यूब पर भी नहीं मिलेगी, ठीक है। कुल मिला के हमने टोटल देखे दोस्तों 7 ट्रेड के क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए, ठीक है, 7 ट्रेड के, तो देखिए 7 जो मेन ट्रेड थे, यानी मेन ट्रेड के मैंने ज़्यादा आपको क्वेश्चन करवाए हैं चैनल पर भी, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिशियन हो गया या फिर फिटर हो गया या फिर आपका हो गया मोटर मैकेनिक, ठीक है, 3 ट्रेड से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो साथ ही जिसमें से कम क्वेश्चन बनते तो उसका भी मैंने आपको पूरा एक एक वीडियो में लंबे टॉपिक लेके पूरा करवा दिया है, ठीक है, जैसे आपका हमने डीजल का हो गया या फिर वेल्डर हो गया आरएससी हो गया, तो इसके भी क्लासेस मैंने लगवाए थे और इसको पूरा कर दिया गया है, ठीक है, और इलेक्ट्रिशियन के फिर टूल से है, फिर ये सेफ्टी से सभी क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए है, अगर फिर भी आपको किस चीज़ में डाउट रहता है तो
कमेंट में लिखते चलिए। किसी भी चीज़ में मानो जैसे आप टेक्निकल के लिए हो या फिर नॉन टेक के लिए हो, किसी भी चीज़ में डाउट रहता है तो कमेंट में लिखिए। अगर आपको और किसी चीज़ में क्वेश्चन की ज़रूरत है वो भी हमें कमेंट में लिखिए, तो उसको वो भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। क्योंकि अभी एग्ज़ाम को ज़्यादा दिन बचे नहीं है, अगर देखिए तो कल का सिर्फ एक ही दिन आपका एग्ज़ाम के लिए बचा है, ठीक है। तो जितना हो सके हम आपके लिए मेहनत कर रहे दोस्तों, और साथ ही आपका भी फ़र्ज़ बनता है, चैनल को सब्सक्राइब कर देते चलिएगा और साथ ही लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करते चलिएगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।